गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्लास सिक्स का मैथ था उसमें हम लोगों ने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के रिलेटेड और जो चैप्टर था उससे रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अभी जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो जो है फॉर राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेन्स, नियरेस्ट हंड्रेड, नियरेस्ट थाउजेंड एंड नियरेस्ट 10,000 के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब नियरेस्ट का टर्म आ जाए तो एक चीज कंसेप्ट दिमाग में रख लीजिए कि चूंकि नंबर क्या होता है, जीरो से लेकर 9 के बीच हमारे डिजिट्स होते हैं, तो 4 के नीचे जब आइएगा, 5 के नीचे जब आइएगा तो प्लेस वैल्यू आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, जैसे अगर 45 है, चूंकि ये 5 है तो ये 50 जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 44 है देन ये 40 जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 से जब ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, 5 भी जाएगा, तो ये मतलब आगे की तरफ नेक्स्ट टेंस के आगे के टेंस को कवर करेगा। लेकिन पहले जाएगा तो वो उसके प्रीवियस टेंस को वो कवर करेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लीजिए। तो जैसा कि अगर नियरेस्ट टेंस कहता है किसी नंबर का फाइंड आउट कर लीजिए या राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस, तो हम क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं डिजिट्स एंड वन स्पेसेस टेकन इन टू अकाउंट। ठीक है, ये जो डिजिट्स होगा वन स्पेस का उसको हम लोग लेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल देखिए 1, 4, 3 और बोलते हैं कि इसका नियरेस्ट टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो नियरेस्ट टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बोला कि डिजिट जो वन स्पेस होगा उसको अकाउंट में लेंगे, काम करेंगे। तो वन स्पेस में यहाँ पे 3 है और 3 क्या है, 5 से लेस है। जब 5 से लेस है तो मैंने बोला उसके प्रीवियस जस्ट टेंस होगा उसके वैल्यू को लेंगे। तो 143 के जस्ट पहले का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 3, चूंकि क्या है 5 से लेस है तो इसका जो टेंस होगा 143 का वो क्या होगा, 140 होगा। वेयर एज अगर आप 147 की तरफ मूव करते हैं तो आप देखिए कि इसमें भी अगर टेंस को बोलते हैं नियरेस्ट टेंस फाइंड आउट कीजिए तो 7 यहाँ पे वन स्पेस पे है ना, और मैंने जो बताया था कि 5 से लेस होगा और 5 से लेस होगा तो प्रीवियस टेंस के जाएंगे और 5 से मोर होगा तो वो नेक्स्ट टेंस के जाएंगे। तो 7 चूंकि क्या है, 5 से मोर है तो उसके नेक्स्ट टेंस के जाएंगे, दैट मींस इट कंसिस्ट ऑफ 150। ओके, सिमिलरली व्हेन द क्वेश्चन विल बी अराइजिंग एट नियरेस्ट 100 देन व्हाट वी हैव टू डू, देन वी फर्दर मूव ऑन डिजिट्स एट 10 स्पेस टेकिंग इनटू अकाउंट। मतलब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 स्पेसेस के डिजिट्स को क्या करते हैं, अपने संदर्भ में लाते हैं और उसके बेसिस पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए नियरेस्ट 100 का रेफर आउट कीजिए इस नंबर का, एग्जांपल में देखिए 147 54 में कह रहा है कि इसका नियरेस्ट 100 फाइंड आउट कीजिए। तो नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करने का 100 प्लेस में क्या है, 7 है, तो क्या हम इसको निकालेंगे, नहीं, हम लोग किसके थ्रू जाएंगे, नियरेस्ट डिजिट्स एट 10 स्पेसेस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और 10 स्पेस में हमारा क्या है, 5 है, और 5 क्या है, खुद 5 है। 5 से मैंने बताया था कि ज्यादा होगा तो हम किसको लेंगे, उसके आगे के, बिफोर के नहीं, उसके आफ्टर के जो टेंस होंगे उसको हम फॉलो करेंगे। तो जस्ट इसके आगे क्या होगा, तो 54 है तो 54 के आगे 60 होगा, तो क्या ये 60 रहेगा, हाँ ये 14760 इसका नियरेस्ट 100 है। ठीक है, लेकिन अगर ये रहता है 14734 तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 5 से कम है इसका 10 प्लेस, तो इसके नजदीक का लेंगे ये 30 लेंगे, जस्ट बिफोर 10 लेंगे, तो 14730 अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है कि नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट कीजिए तो हम किसके थ्रू जाएंगे, किस प्लेस के थ्रू जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे डिजिट्स एट द 100 प्लेस टेकन इन टू अकाउंट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को लेते हैं 14754 और कहता है कि इसका नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट कीजिए। तो नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करना है, इस नंबर का 1000 तो प्लेस दिए है तो नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट कर लीजिए। मैंने क्या बोला कि 100 प्लेस के वैल्यू हम लेंगे, तो 100 पे कौन सा प्लेस है, 100 पे 7 है ना,
और सेवन क्या है, फाइव से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। दैट मीन्स 754 को जब देखिएगा, 754 में 7 क्या है, 5 से ज्यादा है, तो ये किधर मूव ऑन हो जाएगा, 800 की तरफ जाएगा। 800 की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ कि ये बनेगा 14800, ठीक है। और अगर यही वो रहता है 14354 और इसमें बोलते हैं कि आप ऐसे प्रोजेक्ट नियरेस्ट फाइंड आउट कीजिए, तो इसके जो 100 प्लेस है वो 3 है और वो 5 से लेस है, तो जस्ट उसके पहले का लेंगे, और जस्ट उसके पहले का लेंगे इसका मतलब क्या होगा बताइए, 14200, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन करते हैं नियरेस्ट 1000 का, नियरेस्ट 100 का आपने देखा 10 प्लेस को लेंगे, नियरेस्ट 1000 में 100 प्लेस को लेंगे, नियरेस्ट 10 में हम क्या करते हैं एट जो 1 प्लेस पर रहता है उसको लेते हैं। वैसे ही काउंट करेंगे अगर नियरेस्ट, तो सिमिलरली नियरेस्ट 10000 की जब बात करेगा तब हम क्या करेंगे, डिजिट्स है 1000 प्लेस taken into account, ओके। तो जो डिजिट्स अगर नियरेस्ट 10000 फाइंड आउट करने को बोलेगा, तो जो डिजिट्स नियरेस्ट 1000 में होगा उसके वैल्यू को हम लोग लेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मेरी एग्जांपल है 147893 और कहते हैं कि इसका नियरेस्ट 10000 फाइंड आउट कीजिए, तो नियरेस्ट 10000 फाइंड आउट करने के लिए पहले देखिए कि 10000 का कौन सा वैल्यू है, 4 है, ठीक है। और तो मैंने क्या बोला कि कौन से अकाउंट से किस नंबर को लेंगे, जो नियरेस्ट जो डिजिट जो 1000 के ऊपर उसके अकॉर्डिंग नंबर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 प्लेस पे क्या है, 7 है, और 7 का जो वैल्यू हो क्या है, मोर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग 1000 का वैल्यू या फिर 10000 का वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 700 है ना, तो ये आगे मूव करेगा, पीछे मूव नहीं करेगा, ठीक है। 7 के बाद जस्ट क्या आता है, 8 आता है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 8000 आ जाएगा, और ये जो डिजिट था वो वैसे ही रह जाएगा। तो ये क्या रहेगा, नियरेस्ट 10000 जो होगा इस नंबर को कितना होगा, 1,48,000 होगा, ठीक है। वैसे ही बात एग्जाम्पल देखिए 14,3,8,9,3 और कहता है कि इसके नियरेस्ट 10000 फाइंड आउट कीजिए, तो इसके 1000 प्लेस में क्या है, क्योंकि मैंने बोला था कि जब नियरेस्ट 10000 बात करेगा कुछ नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, तो हम इसके नजदीक का 1000 प्लेस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और इसका नियरेस्ट 10000 प्लेस जो है वो क्या है हमारा, 3 है, तो 3 क्या है, 5 से लेस है, जो 5 से कम होगा तो मैंने क्या बताया था कि उसके जस्ट प्रीवियस जो नंबर होगा उसके रिस्पेक्ट हम लोग लेते हैं, है ना। तो इसके जस्ट पहले क्या होगा, 2000 होगा, तो ये क्या होगा, 1,42,000 इसका हमारा आंसर आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन करते हैं नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000 एंड नियरेस्ट 10000, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग मिलेंगे उसको आप सॉल्व कीजिएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं सम एंड डिफरेंस की तरफ। इससे पहले आप लोग एडिशन और सबट्रैक्शन के रूल्स पढ़ेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं और सबट्रैक्शन करते हैं कैसे करते हैं। तो अब चूंकि आप खाली क्लास में मूव ऑन किए हैं, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि एडिशन को और किस नाम से जाना जाता है। तो एडिशन एडिशन को सम बोलते हैं, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं लोग, डिफरेंस बोलते हैं। क्वेश्चन किसी तरह का भी दे सकता है, क्वेश्चन में आपको किसी तरह का सिचुएशन क्रिएट करके दे सकता है, या फिर दो नंबर्स को कर सकता है, उसका सम फाइंड आउट करिए, उसका डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूं, एग्जांपल नंबर वन, फाइंड द सम ऑफ 47893 एंड 224132। सॉल्यूशन देखिए इसका, तो ग्रेटर माइनस प्रोडक्ट की जोड़िए, 224132 सम का मैंने बताया था कि ऐड होता है बेसिकली, 39874 ऐड कीजिएगा कितना आएगा बताइए, 325। इतना जो हमारा नंबर आएगा वो क्या,
का मॉडल रोल नंबर है, ठीक है। इस तरह एक क्वेश्चन कर सकता है, एग्जांपल नंबर टू देखिए, इफ मोहन हैज 24 गुड पेंस एंड मोहन हैज कितने गुड पेंस है उसके पास, 24 गुड पेंस एंड 13 बैड पेंस, ठीक है, देन फाइन। यहां पे आप फ्रेंड कर लो, ठीक है, गुड फ्रेंड कर लो पेंस कर लो, देन फाइन दे आर सम। तो क्वेश्चन एक प्लेन आपको दे दिया कि नंबर को सॉल्व कीजिए, और दूसरे क्वेश्चन में क्या कि एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि रमेश के मुकेश सॉरी मोहन के पास कुछ अच्छे दोस्त हैं, कुछ खराब दोस्त हैं, तो उनके पास टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, या फिर फाइंड देयर सम कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सिंपल है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह जाएंगे, तो नंबर ऑफ गुड फ्रेंड्स इज इक्वल टू 24 एंड नंबर ऑफ बैड फ्रेंड्स इज इक्वल टू 13, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज इक्वल टू व्हाट, ऐड करेंगे ना 437 13, इतने उसके दोस्त है टोटल, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, और सम में बेसिकली किस सिंबल का यूज होता है, प्लस सिंबल का यूज होता है, ठीक है। वेयर है डिफरेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो डिफरेंस में सिंबल जो यूज होता है वो किसका होता है, नेगेटिव माइनस का, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, देयरफॉर माइनस इज यूज्ड फॉर, माइनस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें और भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए टू नंबर्स के, एग्जांपल देख लीजिए, फाइंड आउट डिफरेंस ऑफ देगा।
नंबर के सम फाइंड आउट करने के लिए, नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, और आज इससे पहले हमने पढ़ा राउंडिंग ऑफ नंबर्स नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड, नियरेस्ट थाउजेंड एंड नियरेस्ट टेन थाउजेंड। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे प्लीज उस सभी को सॉल्व कीजिएगा, और अगर किसी तरह के डाउट्स आते हैं तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में जब डाउट्स क्लासेस होते हैं।